अब हम ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल में रहते हुए हम किस तरीके से गैंट चार्ट जो है क्रिएट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, बस जरा गौर से देखिएगा। आपके पास डेटा सेट मौजूद है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग डेज का। अब हम इसका जो गैंट चार्ट है किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टू कॉलम्स को एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इंसर्ट में चार्ट्स वाले टूल बार ग्रुप में मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। ऑल चार्ट्स पे जाने के बाद बार चार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टैक्ड जो बार है इस पे क्लिक करने के बाद स्टैक्ड बार चार्ट जो है इसको ओके करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो चार्ट शो हो रहा है इसमें अगर आप देखेंगे ये आपके पास चार्ट शो हो रहा है, इसकी सेटिंग कर ली हमने ताकि हम इजीली इसके जो डेट ऑफ बर्थ है इसको देख सकें। अब ये हमारे पास टैग बार चार्ट शो हुआ है, इसको गैंट चार्ट कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ये जो ब्लू बार है किसी एक बार पे क्लिक करेंगे। इसकी ये ब्लू बार्स हैं, इसमें से किसी एक बार पे क्लिक करने पर आपको ये पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, ब्लू पॉइंट जो सारे बार्स पे आए हैं। ये पॉइंट्स आने के बाद आप किसी भी एक बार पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करें। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये जो पेज शो हो रहा है इस पे आपने करना है ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा सीरीज नेम। सीरीज नेम क्या है, सीरीज नेम है ये हमारा ड्यूरेशन। सीरीज वैल्यू क्या है, आपने सीरीज वैल्यू यहां पर सीरीज वैल्यू, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो 15 तक है तो 15th रो तक आपकी ये जो डी वाले कॉलम की वैल्यू है D16, क्योंकि एक जो है हमारा हेडर इंक्लूड है वहां तक आपने सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। अगर आप ओके पे अभी क्लिक नहीं भी किया तो आप यहां पे देखने पहले यहां पे सिर्फ ब्लू बार्स थी, अब यहां पर ऑरेंज बार्स भी इसके साथ शो हो रही है। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद अगेन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है डबल बार्स वाला जो चार्ट है वो शो हो रहा है। अब ये ब्लू बार पे क्लिक करेंगे, ब्लू बार पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा सीरीज पे जाएंगे और उसके बाद ये कलर सेक वाले पे क्लिक करने के बाद अगर मैं ब्लू वाले को नो फिल बोल दूं, ओके करने के बाद ये हमारे पास जो बार चार्ट शो हो रहा है ये हमारा गैंट चार्ट है और इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो डाटा सेट था उसके अकॉर्डिंग ये बार चार्ट जो है उसको हमने कन्वर्ट किया गैंट बार चार्ट में। इसकी अगर आप देखें तो यहाँ पे असद सबसे पहले था, यहाँ पे भी जीरो से आगे अगर हम देखें तो असद सबसे पहले है। आप इसको रिवर्स फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये जो आपके पास एम्प्लॉय नेम है इसको सिलेक्ट करें, करने के बाद राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करें। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट वाला, इसमें आप यहाँ पे कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर कर दें, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास असद सबसे पहले आ रहा था तो इस गैंट चार्ट में भी असद जो है सबसे पहले आएगा। आप इस तरीके से इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेथड जिसके जरिए से हम एमएस एक्सेल को यूज करते हुए बार चार्ट से गैंट चार्ट को क्रिएट करते हैं।